Hello friends, welcome to Taaza Recipes. मैं हूँ रितु. आज हम बनाएंगे quick and easy breakfast recipe, poha. Please subscribe to Taaza Recipes if you haven't already. और notifications के लिए bell icon press करें. आज की recipe का main ingredient है flattened rice, जिसे generally चीरा, चूड़ा या पोहा भी कह सकते हैं. मैंने यहाँ मोटा पोहा लिया है. सबसे पहले पोहे को छन्नी में खुले पानी के नीचे गीला कर लीजिए और 10 मिनट के लिए उसे फूलने दें. मैंने यहाँ पोहे को ऑलरेडी गीला कर लिया है. कढ़ाई में तेल डाल लीजिए. तेल गरम होने पर डालेंगे राई. जब राई तड़कने लगे तो डालेंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्च. फिर डालेंगे कच्ची मूंगफली यानी कि सींग. अच्छे से स्टर कर लेंगे. यहाँ मैं ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्टाइल पोहा बना रही हूँ. इसमें हम डालेंगे आलू के टुकड़े. आलू को छोटे छोटे टुकड़े में काटिएगा ताकि ये फटाफट पक जाए. अब डालेंगे प्याज और अच्छी तरह चला लें. प्याज थोड़े ब्राउन हो चले हैं. अब डालेंगे थोड़ी हल्दी और मिक्स कर लेंगे. आलू 3-4 मिनट में पक जाएंगे. आलू पक चले हैं. इसे ऐसे चम्मच से दबाकर चेक कर सकते हैं. Our aloo is done. अब इसमें डाल लेंगे हमारा फूला हुआ पोहा और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. हल्के हाथों से करछी चलाइए ताकि पोहा टूटे नहीं. पोहा काफी सॉफ्ट होता है और कढ़ाई से चिपकता भी है, इसीलिए मीडियम आंच पर ही कुक करना है. नमक डालेंगे एज पर योर टेस्ट और साथ ही डालेंगे थोड़ी सी शक्कर और नींबू. नींबू निचोड़ते वक्त ध्यान रखें कि बीज पोहे में ना गिरे. शक्कर और नींबू से पोहे में बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा स्वाद आता है. अभी ढक्कन बंद करके इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे. पोहा बहुत जल्दी कुक हो जाता है तो लगभग 1-2 मिनट के लिए ही ढकेंगे. साथ में डालेंगे कटा हुआ धनिया. अवर पोहा इज रेडी. इसे बारीक कटे हुए प्याज, धनिये और सेव के साथ गार्निश कर लेंगे. गर्मा गर्म सर्व करें. एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट होने के साथ साथ पोहा मेक्स अ वेरी गुड टिफिन आइटम. अगर आपको ये क्विक और टेस्टी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें. और अगर आपने अभी तक ताजा रेसिपीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें. आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहें. हैप्पी कुकिंग.